बाजा के हर एनिमी का घंटी, मैं हूँ आपका भाई एमटी। तो स्वागत है हमारे चैनल में और एक नया वीडियो में। तो गाइस, आज की इसका जो वीडियो है इसमें हम स्कॉर्पल कैसे खेल सकते हो उसका ए टू जेड हम बताने वाले हैं। और स्कॉर्पल के अंदर आप देखोगे कि धीरे धीरे पॉपुलर की तरफ जा रहा है। और इसके अंदर गाइस बहुत सारा नया प्लेयर आया है जिन्हें नहीं पता कि स्कॉर्पल कैसे खेल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। तो एक व्यूअर्स मुझे बोल रहा था कि भाई मैं स्कॉर्पल में नया हूँ तो कैसे खेलना है मुझे नहीं पता। तो मैं बोला था कि एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो यही है वो वीडियो। और इसमें हम ए टू जेड सब सीखेंगे। तो जो भी बंदा मेरे चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो में एक लाइक दे देना। तो चलिए हमारा आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। पहले तो प्ले स्टोर से आपकी स्कॉर्पल डाउनलोड करना होता है। तो ये तो बॉट का भी पता है कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको और एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ता है जिसका नाम है गूगल प्ले गेम्स। इसको भी आप प्ले स्टोर में पास होगे। तो इस एप्लीकेशन का क्या काम है, इस एप्लीकेशन का काम है आप आसानी से स्कॉर्पल खेल पाओगे, मतलब कोई लैग नहीं होगा और स्कॉर्पल ओपन नहीं होता, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा अगर आपका डिवाइस में गूगल प्ले गेम्स है। तो इसका मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया, बट अपडेट मांग रहा है तो मैं इसे दे देता हूँ। और इस एप्लीकेशन के मदद से आप स्कॉर्पल के अंदर लॉग इन कर पाओगे, मतलब दो अकाउंट से आप स्कॉर्पल खेलना चाहते हो गूगल प्ले गेम्स में लॉग इन करो, ऑटोमेटिकली स्कॉर्पल में लॉग इन हो जाएगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा मैं इसे सिंपली से कर लूँगा ओपन। और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉग इन करने बोला गया, बट मैं ऑलरेडी इसमें लॉग इन कर चुका हूँ, इसके लिए मुझे नहीं मांग रहा है। बट अगर आप पहले बार इसको ओपन करोगे तो इसको लॉग इन करने बोलेगा, बट मैं ऑलरेडी लॉग इन करके हूँ। तो इसके बाद आप जो अकाउंट से गूगल प्ले गेम्स में लॉग इन करोगे ऑटोमेटिकली स्कॉर्पल में भी वो अकाउंट से आप लॉग इन हो जाओगे। तो मैं इसके बाद स्कॉर्पल को ओपन कर लेता हूँ। और थोड़ा देखना, मैं ऑलरेडी एक बार ओपन कर चुका। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर आपको कुछ परमिशन एलो करने की ज़रूरत पड़ती है, बट मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ इसके लिए मुझे एलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको गूगल प्ले गेम्स का जो लॉग इन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो गूगल प्ले गेम्स का जो लॉग इन है यहाँ पर आ चुका। तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे ओपन होने के लिए। तो हम गेम्स के अंदर आ गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं लेवल 69 में हूँ और मैं 2 ईयर से स्कॉर्पल खेलता रहा हूँ। इसका मतलब है मुझे बहुत एक्सपीरियंस है स्कॉर्पल के बारे में। तो मैं पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुका स्कॉर्पल का ट्यूटोरियल के ऊपर। एक है कैसे प्रो प्लेयर बन सकते हो टॉप 5 टिप्स, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वहाँ से देख लो। और दूसरा एक वीडियो है आप कैसे स्कॉर्पल में कुछ चीज खरीद सकते हो उसके ऊपर, तो आप नहीं देखा अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके देख लो। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक से लॉगिन हुआ है, मेल फेसबुक से लॉग इन करके। तो यहाँ पर जो फ्रेंड लिस्ट है यहाँ पर आपका जो भी फेसबुक फ्रेंड स्कॉर्पल खेलते हैं उसका लिस्ट आपके यहाँ पर आ जाएगा। नीचे जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर आप कुछ सेकंड पहले जिस प्लेयर के साथ खेल के आया हो उसका जो लिस्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको मैं सिंपली से दिखा दूंगा यहाँ पर जो सेटिंग आइकॉन है यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा सेटिंग आइकॉन, जहाँ पर आप अपना जो कंट्रोल है कंट्रोल को कस्टमाइज कर पाओगे। तो पहले मैं ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ग्राफिक्स अपना डिवाइस के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो मैं ऑटो रिकमेंडेड रख दी, इसका मतलब कि स्कॉर्पल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा मेरे डिवाइस के लिए कौन सा अच्छा है। और यहाँ पर ऑटो पिकअप भी है, आप यहाँ पर ऑटो पिकअप का जो लिमिट है आप सेट कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर मेरा ऑलरेडी मैं अपना हिसाब से सेट करके रख दिया। आप यहाँ पर अपना हिसाब से रखना ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ चीज़ रख देता हूँ या मूवी, ये अपना हिसाब से रखना क्योंकि हर प्लेयर का जो कंडीशन है अलग अलग होता है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर रख देना। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँगा अपना जो सेंसिटिविटी है वो मैं आप कस्टमाइज कंट्रोल आपको दिखा दूंगा। बट इसके पहले मैं आपको प्राइवेट सर्वर क्रिएट करके सिखाऊंगा कैसे आप अपना फ्रेंड के साथ आप खेल सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों अभी यहाँ पर क्रिएट प्राइवेट सर्वर जो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दोगे यहाँ से आप खेल सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको पहले आपको मैच दिखा दूंगा कि स्कॉर्पल के अंदर किया क्या मैच हो। तो यहाँ पर आपको 3 मोड मिलेगा, एक तो है क्लासिक, इसके अंदर आप देखो 3 बार आपको रिस्पॉन होगा, 40 प्लेयर्स मिलेगा, 10 मिनट के अंदर ये जो मैच है खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो मैच है वो है सर्वाइवल मैच, यहाँ पर आपको 100 प्लेयर्स मिलता है और एक बार ही आपको चांस होता है सर्वाइव करना के। और यहाँ पर आपको 15 मिनट्स मिलेगा सर्वाइव करने के लिए। और जो एडसेट है यहाँ पर आपको मिलेगा टीम डेथ मैच, यहाँ पर आपको 4v4 खेलने की जरूरत पड़ती है और 5 मिनट के अंदर आपको ये जो मैच है खत्म हो जाती है। तो यह था दोस्तों मैप का इन्फॉर्मेशन। अब हम खेलेंगे प्राइवेट सर्वर, आप कैसे अपना फ्रेंड्स के साथ खेल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्रिएट प्राइवेट सर्वर में सिंपली से क्लिक करना पड़ेगा।
मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ज्वाइन बटन लिखे, एक तो क्रिएट एक ज्वाइन, तो ज्वाइन में क्लिक करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको कोड डालने की जरूरत पड़ती है, एडमिन का कोड। तो एडमिन का कोड आपको कैसे मिलेगा, आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिएट करेगा उसका जो कोड यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। तो आपका फ्रेंड्स कैसे क्रिएट करेगा वो भी मैं दिखा दूंगा। इसके लिए आपको फ्रेंड्स को आपको कहना होगा कि यहाँ पर क्रिएट में क्लिक करके एक सर्वर क्रिएट करने के लिए, तो जब आप क्रिएट में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको कौन सा मैच आप खेलना चाहते हो अपना फ्रेंड्स के साथ वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ TDM। तो जब आप सिलेक्ट कर लोगे इसके बाद आपको थोड़ा सा लोडिंग होगा, इसके बाद आप ऐसे एक लॉबी में आ जाओगे। तो ऊपर दोस्तों आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखो अपना जो भी फ्रेंड्स एक्टिव है उसको आप यहाँ से इन्वाइट कर सकते हो। तो मेरा कोई भी फ्रेंड्स अभी एक्टिव नहीं है इसलिए मुझे इनवाइट ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स ऑनलाइन होगा तो यहाँ पर आपको इनवाइट ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके बाद आपको जो कोड है इसे लेना पड़ेगा, और जो ज्वाइन बटन मैंने पहले दिखाया था वो जो बॉक्स था उसमें ये जो कोड है बैठा कर आप ज्वाइन में क्लिक कर दोगे तो अपना फ्रेंड्स ये जो सर्वर है इसमें आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको सेंसिटिविटी और कस्टमाइज कंट्रोल को दिखा दूंगा कि कैसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना हिसाब से आप रख देना अपना हिसाब से। देखो ये इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाकर रख दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अभी देखो तो आपको ये जो बेसिक नॉलेज है वो मिल जाएगा। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर देखो रख दिया, तो आप अपना हिसाब से रखना कि अगर आपको भी बंद कर लो तो भी अपना जो कस्टमाइज कंट्रोल है उसको गेस कर सकते हो। ऐसे आपको मेमोराइज करना होगा कि आपका कस्टमाइज कंट्रोल का फायर बटन किधर है, जंपिंग बटन किधर है ऐसे। और इसके बाद मैं सेंसिटिविटी भी आपको दिखा दूंगा, तो आप देख सकते हो जो डिफॉल्ट है डिफॉल्ट में ऐसे रहते हैं, तो आपको ये हर जो सेंसिटिविटी है अपने हिसाब से रखना होता है। और मुझे तो हाई सेंसिटिविटी अच्छा लगता है इसलिए मैं अपना जो सेंसिटिविटी है पूरा हाई कर दूंगा। तो देखो मैं हर को 15 काट दिया। तो आप अपने यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हो कितना आपका लिया है, परफेक्ट है अपने हिसाब से रखना, ठीक है। और गाइस आप मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा वो है मैसेज वॉइस मैसेज के लिए, और यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर जो ऑप्शन है आप लोग कितना, और यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज रखना, और यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा ऑप्शन क्विक सेट का, यहाँ से आप अपना कोई भी मैसेज सिलेक्ट करके अपना फ्रेंड्स के पास भेज सकते हो। तो आप जो मैसेज है वो कैसे कस्टमाइज कर सकते हो उसके लिए दोस्तों आपको फिर से सेटिंग में जाने की जरूरत पड़ती है। तो मैं फिर से सेटिंग में जाऊंगा, जाके आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपना जो कस्टम मैसेज है उसे कैसे सेट कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग्स ऑप्शन है उसमें क्लिक करना पड़ेगा, सेटिंग्स ऑप्शन उसके ऊपर, और आप क्लिक कर दो कि इसके बाद आपको क्विक सेट में जाना पड़ेगा, और क्विक सेट के अंदर आपको ये जो ऑप्शन है मिल जाएगा। तो एक है व्हील एक है लिस्ट, तो आप जिसको एडिट कर सकते हो कर लो, मैं व्हील पहले एडिट करूंगा। तो आपको यहाँ पर चेंज जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद कौन सा मैसेज आप रिमूव करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करो तो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद आपको जो राइट साइड है इसमें मैसेज मिलेगा कौन सा मैसेज आप पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं एक मैसेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद प्लस में क्लिक करो तो देखो वो जो मैसेज ने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही करते रहो, देखो एक एक मैसेज सिलेक्ट करो प्लस में क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं पहले इससे यहाँ पर मैं फिर से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर तो लिस्ट है, मैं लिस्ट में जाके भी कुछ मैसेज को चेंज करूंगा। तो लिस्ट में जाके भी सेम तरीके से आपको चेंज में क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद कोई मैसेज आप डिलीट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड से कोई भी मैसेज सिलेक्ट करके प्लस आइकन में क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली मैसेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके बटन में क्लिक करके इसे सेव करना पड़ता है, अगर ओके बटन में क्लिक नहीं करोगे तो सेव नहीं होगा। तो मैं मेरा हिसाब से कोई भी कुछ मैसेज रख देता हूँ यहाँ पर, जब अपना हिसाब से मैसेज रखना हो जाएगा इसके बाद ओके में क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो वॉइस चैट है उसका ऑप्शन भी मिलता है अपना फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए, और आपको यहाँ पर लोकेशन जो साइन है वो भी मिलेगा लोकेशन मार्क करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक लोकेशन को आपको मार्क करके दिखाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करके देखो टैप करके रखोगे तो ऐसे लोकेशन आप मार्क कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर एक लोकेशन मार्क कर दिया, मैं फिर से अगर एक लोकेशन मार्क करूंगा तो ऐसे आप लोकेशन भी मार्क कर सकते हो। तो दोस्तों यही था बेसिक चीज़ें, अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं आपका क्वेश्चन के आंसर दूसरा वीडियो में बता दूंगा। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।